गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ बेसिक टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, IUPAC नोमेनक्लेचर। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक्स। यस स्टूडेंट्स, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों से। इससे रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन CBSE, RBSE हर एक एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो IUPAC है इसका मींस क्या होता है, IUPAC क्या वर्ड है। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये जो आई है ये शो करता है इंटरनेशनल। आई का मींस है इंटरनेशनल। यू जो है यहाँ पर इसका मींस है यूनियन। पी का मीन्स है प्योर। ए का मीन्स है अप्लाइड। और सी का मीन्स यहाँ पर स्टूडेंट्स केमिस्ट्री है। सबसे पहली बात, IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स, जिसका काम ये होता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ कहीं भी कोई पेटेंट नया बनाया जाता है या कोई भी मेडिसिंस की खोज की जाती है या कुछ भी ऐसा जो कि केमिस्ट्री के अंदर इससे पहले नहीं खोजा गया था, नई चीज़ खोजी गई है, उस चीज़ के बारे में सबसे पहले जो है अगर किसी चीज़ को पेटेंट किया जाता है या उस चीज़ को अथॉरिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, IUPAC बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स के IUPAC जो है अगर कोई नया एलिमेंट कहीं खोजा जाता है, कहीं पर भी किसी एलिमेंट की डिस्कवरी हुई है, न्यू एलिमेंट खोजा गया है, तो उस एलिमेंट को सबसे पहले अथॉरिटी प्रोवाइड करवाने का काम किसका होगा, IUPAC का होगा। अगर IUPAC उसे ऑथोराइज्ड करती है तभी जो है केमिस्ट्री के अंदर उस एलिमेंट्स के बारे में स्टडी की जाएगी, उसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो इसी तरह से क्या है स्टूडेंट्स, IUPAC ने नोमेनक्लेचर के बारे में भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं कि किस तरह से किसी कंपाउंड का नाम क्या होना चाहिए और उस कंपाउंड का नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर किस तरह से कहा जाएगा या उसके नाम रखने के या उसका जो नाम होगा वो किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्या मेथड होते हैं, क्या रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिससे कि किसी एक कंपाउंड को, चाहे अपन इंडिया में हो या अमेरिका के अंदर बैठे हों या किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में, अगर कोई उसे पढ़ता है उस कंपाउंड के बारे में, तो उसका जो नेम होगा वो बिल्कुल इक्वल होगा, एक जैसा होगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने के अंदर उसे पढ़ रहा हो। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। सबसे पहली बात कि नोमेनक्लेचर के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर जितने भी नोमेनक्लेचर होते हैं वो IUPAC के अकॉर्डिंग होते हैं। कुछ नाम ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रिवियल्स होते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बोलचाल की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा बोलने लग गए हैं, जैसे बेंजीन। बेंजीन एक ऐसा नेम है स्टूडेंट्स कंपाउंड का जिसके अंदर ये कोई IUPAC नेम नहीं है, ये एक जनरल नेम है, एक ट्रिवियल नेम है जो कि बोलचाल की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, तो उस नेम को उसी तरह से रहने दिया गया। अब जब बेंजीन की बात आ गई है स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। फॉर्मूला अगर अपन बात करते हैं तो बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, है ना, यानी कि इसके अंदर 6 कार्बन हैं और 6 ही कितने हैं, हाइड्रोजन भी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को एक बात ये पता होनी चाहिए कि बेंजीन होता है स्टूडेंट्स, ये एक साइक्लिक रिंग होती है, यानी कि एक साइक्लिक यानी कि एक रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है स्टूडेंट्स, यहाँ इस तरह से ये बेंजीन के स्ट्रक्चर को शो करता है। अब स्टूडेंट्स देखिए, जहाँ जहाँ पर भी ये कॉर्नर आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक कॉर्नर आ रहा है, ये सेकंड कॉर्नर आ रहा है, थर्ड कॉर्नर आ रहा है, फोर आ रहा है, फाइव आ रहा है, और ये
सिक्स कॉर्नर, यानी कि टोटल कितने कॉर्नर आ रहे हैं, सिक्स कॉर्नर आ रहे हैं। तो इन सभी सिक्स कॉर्नर के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, सिक्स कार्बन, यानी कि यहां पर वन कार्बन, टू कार्बन, थ्री कार्बन, फोर कार्बन, फाइव कार्बन और ये सिक्स कार्बन। टोटल जो सिक्स कार्बन होते हैं वो हर एक कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। और अब यहां पर स्टूडेंट्स अगर अपन देखते हैं तो सभी कार्बन के साथ साथ एक एक हाइड्रोजन भी वहां पर प्रेजेंट होता है। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, यहां ये बताया जाता है कि ये कार्बन और ये कार्बन दोनों आपस के बीच में क्या बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और यहां ये बताया गया है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अब आप लोग देखिए यहां पर ये जो सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड आ गया, फिर वापस सिंगल आ गया, फिर वापस डबल आ गया, फिर वापस सिंगल आ गया, फिर वापस डबल आ गया। तो यानी कि क्या होता है स्टूडेंट्स, जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है वो अल्टरनेट चलते हैं किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। तो ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से होता है। और एक बात आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, बेंजीन एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कंपाउंड है, हाईली स्टेबल कंपाउंड है, बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। एज ए सॉल्वेंट इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, फार्मा इंडस्ट्री के अंदर, जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उन सभी के अंदर कहीं ना कहीं पर बेंजीन का बहुत सारा यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। चलिए अपन बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स अब नोमेनक्लेचर या IUPAC के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में। सबसे पहली बात स्टूडेंट्स, रूल्स, मैं आप लोगों को रूल्स के साथ साथ एग्जांपल्स के साथ साथ समझाता जाऊंगा स्टूडेंट्स, जिसके आपका जो ये पोर्शन है वो अच्छे से क्लियर हो सके। सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले आप लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ चुके हैं और हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। तीन टाइप के होते हैं ये, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, है ना। तो ये चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जा कर के आराम से उसको वीडियो को भी देख सकते हैं। और अपन बात कर लेते हैं रूल्स से, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। तो मैं ये मानूंगा स्टूडेंट्स कि आप लोगों को हाइड्रोकार्बन्स के बारे में अच्छा खासा नॉलेज है, आप लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है कार्बन की, ठीक है। अब यहाँ पर पहले मैं आप लोगों को कुछ एक टर्म बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर केवल एक ही कार्बन प्रेजेंट है, यानी कि आपके पास कोई एक ऐसा कंपाउंड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो कार्बन था स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो कंपाउंड था इसके अंदर छः कार्बन थे। लेकिन अब मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों के पास ऐसा कंपाउंड है या आप लोगों को एग्जामिनर ने ऐसा कंपाउंड दिया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH4 दे रखा है, है ना। तो आप लोगों को एग्जाम के अंदर CH4 दिया हुआ है, यानी आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स के कार्बन कितने हैं, हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन कंपाउंड्स। तो आप लोगों ने ये देखा कि यहां पर एक कार्बन प्रेजेंट है, तो मींस स्टूडेंट्स ये हुआ कि जब आपके पास कार्बन की चेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल कार्बन यानी वन कार्बन होता है, तो उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज में लेते हैं स्टूडेंट्स, मिथेन यूज में लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मिथेन, ओके। देन उसके बाद अगर अपन बात करें कि अगर आपके पास कार्बन की चेन के अंदर दो कार्बन है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्टूडेंट्स आप लोगों को इस तरह का कोई कंपाउंड दिया हुआ है जिसके अंदर एक और एक ये दूसरा कार्बन और यहां पर भी तीन बॉन्ड और यहां पर भी तीन हाइड्रोजन हो गए, ठीक है ना। तो यहां पर स्टूडेंट्स अपन देखते हैं कि ये एक कार्बन की चेन हो गई जिसके अंदर दो कार्बन जुड़े हुए हैं। तो मीन्स क्या हुआ कि अगर आपके पास एक ऐसे कंपाउंड है जिसके अंदर दो कार्बन प्रेजेंट है, अच्छा स्टूडेंट्स आप लोग चाहें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, यहां पर C2H6 भी अगर अपन लिखेंगे तो यहां पर ये और ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स देखिए मैंने यहां पर इसको क्या कर दिया, कंबाइन बना करके लिख दिया, यहां पर क्या कर दिया, सेपरेट लिख दिया है, दोनों कार्बन और हाइड्रोजन को सेपरेट लिख दिया है और यहां पर मैंने कंबाइन करके लिख दिया है। तो मींस ये और ये दोनों क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, सेम फॉर्मूला हो रहा है। तो आप लोगों से मैं ये कह रहा हूं कि अगर दो कार्बन प्रेजेंट हो, यानी अगर आपको एग्जामिनर ने कुछ इस तरह के कंपाउंड दिए हुए हैं जिसके अंदर दो कार्बन प्रेजेंट है, तो आप ये कहोगे कि दो कार्बन होने की वजह से वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, इथेन कहलाते हैं,
ओके देन उसके बाद अपन बात कर लेते हैं जब C3 होगा यानी कि तीन कार्बन होंगे तो उसे क्या कहेंगे, उसे अपन प्रोपेन कहेंगे। अगर C4 यानी कि चार कार्बन होंगे तो क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, उसे अपन ब्यूटेन कहेंगे। पांच होंगे तो क्या कहेंगे उसे, उसे अपन पेंटेन कहेंगे। अगर छः होंगे तो क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, वो हेक्सेन कहलाएंगे। इसी तरह से अगर सात कार्बन होंगे तो स्टूडेंट्स क्या कहलाएंगे, वो हेप्टेन कहलाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आठ कार्बन होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो ऑक्टेन कहलाएंगे। यहाँ तक का स्टूडेंट्स बहुत है आप लोगों के लिए। नॉर्मली क्या है कि आठ तक के कंपाउंड आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि ऐसी चेन जिसके अंदर आठ कार्बन प्रेजेंट हो, उन तक से ही आपसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को बस मैं इतना तक बता रहा हूँ। अब स्टूडेंट्स अपन बात कर लेते हैं, मैंने आपको बताया है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है ना, अब कैसे सिलेक्ट करनी है, इसका मीन्स क्या है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको कुछ इस तरह का कंपाउंड दे रखा है, जिसे मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको इस तरह का कोई कंपाउंड दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों को ये कंपाउंड दिया है, आप लोगों से एग्जामिनर इस तरह से क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को इस तरह का स्ट्रक्चर दे रखा होगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका IUPAC नाम बताइए। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए सबसे पहला मैंने क्या रूल्स बताया है, सबसे पहला रूल ये बताया है मैंने आपको कि लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना है। तो अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा एक और बात कि जब अपन लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन का सिलेक्शन करते हैं तो कंटिन्यूसली चेन के अंदर क्या आने चाहिए, कार्बन ही आने चाहिए। ऐसे जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ से चलना शुरू किया तो 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पर अगर मैं इस कार्बन की चेन को सिलेक्ट करता हूँ तो कितने कार्बन आ रहे हैं इसके अंदर, 4 कार्बन आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5 देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने C2H5 लिखा है यानी कि मीन्स यहाँ पर दो कार्बन प्रेजेंट है, मीन्स यहाँ दो कार्बन प्रेजेंट है तो उन दोनों को काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स यानी क्या हुआ, अगर मैं ऐसे कार्बन की चेन को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 कार्बन आ रहे हैं, बट अगर मैं कार्बन की चेन को इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ तो स्टूडेंट्स कितने कार्बन आ रहे हैं, 5 कार्बन। और मुझे क्या देखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखनी है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इसको यहाँ तक, ये क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कहलाएगी। तो इस तरह से सबसे पहली स्टेप आपको क्या करनी है स्टूडेंट्स, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद जब आपने उस कार्बन की चेन को सिलेक्ट कर लिया है तो जितने कार्बन इसमें प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से नाम लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर ये कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, और 5 कार्बन के लिए अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पेंटेन। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट्स कि ये पेंटेन है, कि ये यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये पेंटेन हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स मैंने इस पूरे का तो नाम बता दिया बट मैंने इसका नाम नहीं बताया है अभी तक, और आपसे इस पूरे कंपाउंड का नाम पूछा गया है तो स्टूडेंट्स आपको इसका भी नाम बताना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसका नाम बताने के लिए, अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स, जो आपने चेन सेलेक्ट कर ली है उस चेन के सिलेक्ट होने के बाद अगर कोई कार्बन बाहर प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन का कंपाउंड है एक और ये बाहर की तरफ प्रेजेंट है, तो स्टूडेंट्स इसको क्या कहते हैं अपन, इसको अपन कहते हैं सब्स्टिट्यूट। ये क्या है स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूट कहलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैंने इस चेन को, अच्छा एक और बात स्टूडेंट्स, ये जो कार्बन की चेन होती है जिसे अपन लॉन्गेस्ट चेन कहते हैं इसको अपन रूट चेन भी कह सकते हैं या रूट कार्बन चेन भी कह सकते हैं। तो दो चीज़ें हो गई यहाँ पर, एक तो ये रूट कार्बन की चेन हो गई और एक आपका ये सब्स्टिट्यूट हो गया। तो मींस स्टूडेंट्स अपन ने रूट कार्बन की चेन का नाम तो यहाँ लिख दिया है बट अब सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना बाकी है। अब स्टूडेंट्स आपको ये देखना है कि इस सब्स्टिट्यूट में ये जो पूरा आपके पास सब्स्टिट्यूट है इसके अंदर कितने कार्बन है,
सिंपल सा है, आपको दिख रहा है CH3, यानी कि ओनली वन कार्बन है और तीन हाइड्रोजन है, यानी वन कार्बन, ओनली वन कार्बन प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट्स वापस अपन यहाँ चलते हैं, अगर एक कार्बन होता है तो उसे अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मीथेन कहते हैं। अब बात आपको ये याद रखनी है स्टूडेंट्स कि अगर सब्स्टिट्यूट के अंदर आएगा तो अपन क्या करेंगे, अपन ये करेंगे कि यहाँ पर ये जो मीथेन था उसमें से यहाँ पर अगर मैं ये मीथेन लिखता हूँ तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये AN और E, यानी कि मीथेन में से AN E को बाहर निकाल देना है। अब क्या बन गया, ये ओनली मैथ बन गया, और यहाँ पर आप क्या लगा दोगे YL, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा मिथाइल। यानी क्या होगा स्टूडेंट्स, जो भी सब्स्टिट्यूट आपके पास होगा उस सब्स्टिट्यूट के अंदर कितने कार्बन है वो देखना है, और वो देखने के बाद उसमें से नेम लेना है, और उसके बाद आपको क्या करना है AN E को हटा करके क्या लगा देना है YL लगा देना है। तो यहां पर ये क्या बन जाएगा मिथाइल। तो मैं यहां लिख देता हूं स्टूडेंट्स, ये क्या लिख देता हूं मैं यहां पर मिथाइल, तो ये क्या हो गया मिथाइल पेंटेन। बट स्टूडेंट अब यहां पर एक बात और भी इंपॉर्टेंट है, ये जो मिथाइल जुड़ा हुआ है वो पेंटेन के अंदर कौन से कार्बन पे जुड़ा हुआ है ये बताना भी जरूरी है, यानी कि इस कार्बन या मिथाइल की जो पोजीशन है स्टूडेंट्स उसको शो करना, उसको रिप्रेजेंट करना भी अपने लिए जरूरी हो जाता है। तो आपको यहाँ बताने के लिए फिर आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, सेकंड ये जो है वो तो क्या था फर्स्ट बात कि लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना है, देन उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो ये है कि सेकंड पॉइंट के अंदर आपको क्या करना रहेगा, नंबरिंग करनी है, नंबरिंग ऑफ कार्बन चेन, जो कार्बन चेन आपने सिलेक्ट की है उसके अंदर आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग करने का मतलब स्टूडेंट्स आप लोगों को नंबर देने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस कार्बन को 1 नंबर दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, इसको 3 दे देता हूँ, इसको 4 दे देता हूँ, उसके पास वाले कार्बन को 5 दे देता हूँ, तो 5 कार्बन को मैं इस तरह से नंबरिंग दे सकता हूँ। चाहे तो अपन इधर से भी दे सकते हैं, 1 और 2 इसको दे देंगे, फिर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, तो इस तरह से आपको इसको नंबरिंग देनी है। अब यहाँ स्टूडेंट्स ये बात होती है कि नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये याद रखना है कि जहाँ पर सब्स्टिट्यूट पहले आ जाए, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो ये 1, 2 और 3, यानी कि 3 नंबर पर कौन आ रहा है स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूट आ रहा है 3 नंबर पर, यहां से चलने पर सब्स्टिट्यूट आ रहा है, और यहां से चलता हूं तो 1, 2 और 3। तो इस केस के अंदर ये जो केस है, इस केस के अंदर चाहे आप यहां से नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं, चाहे आप इस साइड से नंबरिंग देना स्टार्ट करते हैं, दोनों ही पोजीशन पर या दोनों ही साइड से जो सब्स्टिट्यूट आता है उसके वाले कार्बन को, यानी कि जो सब्स्टिट्यूट जिस कार्बन पर जुड़ा हुआ है उस सब्स्टिट्यूट वाले कार्बन या उस अटैच्ड कार्बन को सेम नंबर मिल रहा है, चाहे इधर से देते हैं चाहे इधर से देते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से देता हूँ तो 1, 2 और 3 नंबर इसे मिल रहा है, अगर मैं यहाँ से देता तो 1 और 2 तो इस पे मिल जाता और 3 जो है इसको मिलता। तो मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हुआ कि आप चाहे यहाँ से नंबर दीजिए यहाँ से नंबरिंग कीजिए, दोनों में क्या हो रहा है कि सेम और इक्वल नंबर किसे मिल रहे हैं, उस कार्बन को जिस पर कि कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है। बट अगर यहाँ पर कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती है ना, अगर यहाँ कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाती, अच्छा एक बार चलिए एक बार अपन पहले इसका नाम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इस मिथाइल की पोजीशन कितनी बताऊँगा, 3, तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा 3-methylpentane। ओके स्टूडेंट्स क्लियर हुआ होगा आई थिंक आप लोगों को कि किस तरह से मैंने नंबरिंग की है, किस तरह से लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन का सिलेक्शन किया है, मैंने सब्स्टिट्यूट किसे माना है, सब्स्टिट्यूट के नाम के बाद मैंने YL लगाया है और मैंने सब्स्टिट्यूट की पोजीशन भी बताई है। तो मेंस स्टूडेंट्स ये हुआ कि सबसे पहले आपको रूट कार्बन की चेन का नाम लिखना है, देन उसके पहले आपको सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है और सब्स्टिट्यूट की पोजीशन भी आपको बतानी है।
ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं आप लोगों से ये कह रहा था कि नंबरिंग करते टाइम पर आपको क्या याद रखना है, क्या ध्यान रखना है ना। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करके एक दूसरा एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से आपको नंबरिंग करनी है। यस स्टूडेंट्स, ये अपने पास एक अनदर एग्जांपल्स हैं, इस एग्जांपल के अंदर अपन बात कर लेते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहली स्टेप मैंने आप लोगों को क्या बताई थी स्टूडेंट्स, कि आप लोगों को लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना है। अब अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन का सिलेक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लेता 1 2 3 4, है ना। अच्छा एक और बात है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सबको नहीं ले पाओगे। लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन का मीन्स है आपको एक बार में एक कार्बन की तरफ चलना है। अगर आप इधर चलते जा रहे हो तो इधर ही चलोगे, और अगर यहाँ चलते जा रहे हो तो यहाँ ही चलोगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ गए फिर उसके बाद वापस यहाँ से यहाँ आ गए, आपको कंटिन्यूसली चलना है स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखनी है ना। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन बनेगी वो किस तरह से बनेगी, आपको 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि ये वाली जो चेन हो गई स्टूडेंट्स, ये क्या बन गई आपके लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन बन गई। ओके, मैंने इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पर ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया रूट कार्बन या रूट कार्बन चेन, ये क्या कहलाई गई रूट कार्बन चेन। और इस रूट कार्बन चेन के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट है अपन ने गिन लिया अभी 6, और 6 कार्बन के लिए क्या लिया जाता है स्टूडेंट्स, हेक्सेन। तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया ये हेक्सेन। अब उससे पहले ये क्या बच गया स्टूडेंट्स, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में कितने कार्बन है स्टूडेंट्स, 1 कार्बन के लिए क्या यूज में लिया जाता है, मीथेन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मीथेन। अब मैंने कहा है कि अगर सब्स्टिट्यूट होता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, ANE को हटाना है और उसके बजाय क्या यूज में लेना है, YL। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथाइल। अब मैंने कहा आपको नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग कैसे करोगे, अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता तो 1 और 2 इसे मिल जाता, देन उसके बाद 3 4 एंड 5, यानी कि इस कार्बन को कितना नंबर मिलता, 5 नंबर मिलता इधर से चलने पर। बट अगर मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दूँ तो 1 एंड 2, यानी कि यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो इसे कितना नंबर मिल रहा है, 2। अब ये स्टूडेंट्स आप लोगों को याद रखना है कि अगर आप लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, अगर आप नंबर देना स्टार्ट करते हैं तो उस तरफ से आपको स्टार्ट करना है जहां से कि उस कार्बन को लेस नंबर मिले जिस पर कि कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ हो, है ना। तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इस कंडीशन के अंदर नंबरिंग यहाँ से नहीं करके बल्कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से चलने पर उस कार्बन को, यानी ये वाला जो कार्बन है जो कि किससे जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन से अगर अपन स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर अपन स्टार्ट करते हैं तो इस कार्बन या इस सब्स्टिट्यूट वाले कार्बन को क्या होगा, लेस नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से करना ही ज़्यादा सही होगा, यानी अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वो अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से उस कार्बन को लेस नंबर मिलेगा जिस कार्बन के ऊपर कोई मिथाइल ग्रुप या कोई भी सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, है ना। तो आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, यानी उस साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ से कि लेस नंबर किसे मिले, उस कार्बन को मिले जहाँ पर कि कोई सब्स्टिट्यूट अटैच हो। तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ मैं इसकी पोजिशन बताऊँगा तो क्या हो जाएगा, 1 2, यानी पोजिशन क्या हो गई, 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका कंप्लीट नाम हो जाएगा 2-methylhexane। ओके, तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2-methylhexane। तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। ये सबसे पहला और एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स। अब अपन क्या करेंगे, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को और ज़्यादा जो है टिपिकल एग्जाम्पल्स थोड़े बताता जाऊँगा, धीरे धीरे अपन अपना लेवल को बढ़ाते जाते हैं। चलिए अपन बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक ये कार्बन की चेन बनाई है और यहां पर मैंने C2H5 लिखा है। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैं ये इस तरह से कैसे बनाता हूं इन चेन को,
है ना, यानी ये जो चेन बनाई जाती है वो किस तरह से बनती है। सिंपल सा बस आपको ये याद रखना है कि कार्बन जो होता है वो हमेशा चार बॉन्ड बनाता है, है ना, एट ए टाइम फोर बॉन्ड बना सकता है, तो हर कार्बन की फोर बॉन्ड बनने चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने इस कार्बन के बारे में रखा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर अगर एक बॉन्ड ये इस कार्बन के साथ बना रहा है तो बाकी तीन क्या लगा दूंगा मैं, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दूंगा। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या लगा दूंगा मैं, तीन हाइड्रोजन लगा दूंगा। अगर मुझे ऐसा लिखना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने एक कार्बन की चेन बनाई है तो मीन्स यहाँ पर भी क्या हो गया, एक कार्बन आ गया, फिर उसके बाद तीन हाइड्रोजन आ गए। अब देखिए इस कार्बन की अगर अपन बात करते हैं तो एक दो तीन बॉन्ड तो इसके बन चुके हैं, तो केवल एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, है ना। अब यहाँ पर इसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पर दो हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पर दो हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए अब ये एक नेक्स्ट एग्जांपल है आप लोगों के पास। इस एग्जांपल में आपको क्या करना है, चेन सेलेक्ट करनी है, यानी आप लोगों को जब भी नोमेनक्लेचर करना होगा स्टूडेंट्स, आप क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप ही चलना शुरू करोगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन का सिलेक्शन करने के लिए आपके पास देखिए क्या क्या चेन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले यहाँ काउंट करता हूँ कि ये कितने कार्बन हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यानी कि यहाँ से चलने पर मेरे पास चेन के अंदर 6 कार्बन आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी यहाँ पर भी कितने कार्बन आ रहे हैं स्टूडेंट, 6 कार्बन आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करूँ और ऐसे जाऊँ तो कितने आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि स्टूडेंट्स आप लोगों को ये पता चला। अच्छा यहाँ से भी देख लेते हैं एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी स्टूडेंट्स आप लोगों के पास सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की जो चेन आ रही है वो कितने कार्बन की आ रही है, 6 कार्बन की आ रही है। तो अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये वाली जो सिंपलेस्ट जो बिल्कुल सीधी है उसी को अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, ये कहलाएगी आपकी रूट कार्बन चेन, इसको अपन बोलेंगे रूट कार्बन चेन। अब बाकी जो कार्बन चेन के अंदर नहीं आ पाए हैं वो क्या कहलाते हैं, सब्स्टिट्यूट कहलाते हैं। तो आपके पास एक सब्स्टिट्यूट ये हो गया, दूसरा सब्स्टिट्यूट ये हो गया, है ना, आपके पास दो सब्स्टिट्यूट हो गए। एक सब्स्टिट्यूट वो है जिसके अंदर केवल एक कार्बन है, दूसरा सब्स्टिट्यूट वो है जिसके अंदर दो कार्बन है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अलग अलग यानी दो अलग अलग टाइप के आप लोगों के पास सब्स्टिट्यूट मिल गए हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, रूट कार्बन की चेन लिख देते हैं, उसका नाम लिख देते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो रूट कार्बन की चेन में अगर 6 कार्बन है तो इसके लिए अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पर, हेक्सेन। अब आपके पास दो, अच्छा नंबरिंग करनी है, इससे पहले अपन को क्या करना होगा स्टूडेंट्स, नंबरिंग करनी होगी। नंबरिंग करने के लिए आपके पास अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1, 2 एंड 3, यानी कि 3 नंबर पर सब्स्टिट्यूट आ रहा है इधर से चलने पर। अगर मैं इस साइड से आना शुरू करता हूँ तो 1 और 2, यानी कि यहाँ से चलने पर 2 नंबर पे आ रहा है। तो आप लोगों को पता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि नंबरिंग उस साइड से करनी है जहाँ पर कि सब्स्टिट्यूट को कम से कम नंबर मिले, है ना। तो अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नंबरिंग करना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेस नंबर पर ही कौन आ जाता है, सब्स्टिट्यूट आ जाता है। तो जब मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक तो 2 नंबर पर कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, एक 4 नंबर पर कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है, यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन है। 2 कार्बन होता है तो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, इथाइल, यानी इथेन में से ANE को हटा दिया जाएगा और YL लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इथाइल, और ये क्या हो जाएगा, मिथाइल। अब आपके पास स्टूडेंट्स दो बातें हैं कि किसका परिणाम पहले लिखा जाए, इथाइल का पहले लिखा जाए या मिथाइल का पहले लिखा जाए। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये याद रखना है कि जो फर्स्ट लेटर है उसमें अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग पहले कौन आने वाला है, तो ऑब्वियसली इथाइल पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अपन ये लिख देंगे कि यहाँ ये हो जाएगा इथाइल और देन उसके बाद ये हो जाएगा मिथाइल और देन उसके बाद हो जाएगा हेक्सेन। अब अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनकी पोजिशन बता देते हैं कि मिथाइल कितने पर जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ है 2 पे, और इथाइल कितने पे जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ है 4 पे। तो 4 इथाइल और 2 मिथाइल हेक्सेन, ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। क्लियर हुआ है स्टूडेंट्स। चलिए अब अपन मैं आप लोगों को एक नेक्स्ट अनदर टाइप का एग्जांपल बता देता हूं कि अगर दोनों ही जो सब्स्टिट्यूट है अगर वो सेम होते हैं तो क्या होता है। चलिए अपन बात कर लेते हैं उनके बारे में।
चलिए, जैसे ये एक आप लोगों के पास एग्जांपल है स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसका नोमेनक्लेचर करना है। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अपन चलेंगे। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है ना। यानी यहाँ से अगर अपन लॉन्गेस्ट कार्बन लेते हैं तो 5 कार्बन की आती है। यहाँ चलते हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ चलते हैं 1, 2, 3, 4, यहाँ चलते हैं 1, 2, 3, 4। यानी स्टूडेंट सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कौन सी हो गई आपकी, ये वाली चेन जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट हो गई। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे स्टूडेंट्स, ये दोनों कहलाएंगे आपके सब्स्टिट्यूट, और ये क्या बन जाएगी आपकी रूट चेन। अब रूट चेन के अंदर कितने कार्बन हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास 5 कार्बन हैं। तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाएगा पेंटेन, है ना। अब देन इसके बाद आपको क्या करना है, इनका नाम लिखना है, क्योंकि दोनों में एक एक कार्बन है। अच्छा, नंबरिंग करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे तो 1, 2, 3, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1, 2 एंड 3। यानी मैं यहाँ से या यहाँ से दोनों में से किसी भी पोजिशन से जाता हूँ तो सेम नंबर मिल रहा है, तो मैं यहीं से स्टार्ट कर लेता हूँ मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, यानी कि 3-मिथाइल। अब यानी स्टूडेंट्स आप लोगों के पास 2 है और दोनों एक जैसे हैं, लेकिन दोनों की आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो कैसे बताओगे, तो 3, 3 इस तरह से बताओगे आप, 3, 3, यानी कि दोनों की पोजीशन सेम है, दोनों ही की पोजीशन क्या आ रही है स्टूडेंट्स, सेम पोजीशन आ रही है। तो यहाँ पर आपने लिखा 3, 3। अब क्योंकि 2 हैं और दोनों एक जैसे हैं, इसीलिए आप यहाँ पर क्या यूज में ले सकते हो, डाई वर्ड यूज में ले सकते हो, मतलब 2। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिथाइल। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका नेम 2, 3, 3, 3, 3 डाई मिथाइल पेंटेन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी ना आज जितने भी एग्जांपल्स देखे हैं, जो भी नोमेनक्लेचर किया है स्टूडेंट्स, ये ओनली इसका फर्स्ट पार्ट है, और फर्स्ट पार्ट में से भी बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिए हैं, बताए हैं, जो आप लोगों से जितना ज़्यादा वैरायटी मैंने हो सकती थी मैंने आप लोगों को बताई है, है ना। और आप लोगों को मैंने 3 स्टेप बताई है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना है, देन उसके बाद नंबरिंग करनी है, और नंबरिंग करते टाइम पर आपको ये याद रखना है कि उस कार्बन से या उस टर्मिनल से आपको कार्बन के टर्मिनल से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहाँ से कि लेस नंबर मिले उस कार्बन को जहाँ पर कि कोई सब्स्टिट्यूट अटैच होता है, है ना। और फिर उसके बाद इस तरह से अपन इनका नाम लिखते हैं, पोजीशन बताते हैं सब्स्टिट्यूट की, और सब्स्टिट्यूट के भी अगर 2 अलग अलग हैं तो उनके अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग भी लिखते हैं, और अगर दोनों एक जैसे हैं तो उसके लिए डाई यूज में लेते हैं, और अगर 3 होंगे तो ट्राई यूज में लेंगे, है ना। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है स्टूडेंट्स, ये नोमेनक्लेचर के सिर्फ पार्ट 1 है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में एक्सप्लेन किया है, मैंने आप लोगों को एल्केन के बारे में ही एक्सप्लेन किया है। ये सभी जो हैं स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को वो एग्जांपल दिए हैं जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, जिनको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, एल्केन बोलते हैं, ठीक है। तो अब इससे बाद में जो अपन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम जो अपन वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जो सेकेंड पार्ट होगा नोमेनक्लेचर का, वो हो जाएगा स्टूडेंट्स एल्कीन के बारे में। देन उसके बाद जो थर्ड पार्ट होगा उसमें मैं आप लोगों को एल्काइन के बारे में नोमेनक्लेचर समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, और इसके अंदर आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश की होगी, और आप लोग अपनी नोटबुक या बुक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और जितनी भी बुक्स आप लोगों के पास है उन सारी बुक्स से आप लोग प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी बुक से आप लोग प्रैक्टिस करें, और आप लोग अपने जो है नॉलेज को और ज़्यादा शार्प करने की कोशिश करते रहें। ओके, गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।